to you students. Today we will discuss chapter 6, fun with give and take. Give का मतलब क्या होता है? Give का मतलब देना और take means क्या होता है? लेना. तो इस chapter में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कुछ addition और subtraction word problems पढ़ेंगे. ठीक है? तो कुछ keywords हैं for addition. Question may be asked more than, combine, all together, together, both, another, total, sum, in all, or increased by. Question में कुछ इस तरह का word आपको मिल सकता है. इससे हम easily recognize कर सकते हैं कि हमें question में क्या करना है, add करना है या subtract करना है. उसी तरह से for subtraction keywords से how much left, find the other, how much more, which is lesser, and find the difference. ठीक है? Now let's see page number 76. आपकी book में page number 76 में कुछ examples दिए हुए हैं. चलिए समझते हैं. Question number first is in a cricket match, Sri Lanka में 235 runs. एक cricket match में Sri Lanka ने कितने run बनाए? 235. India कितना रन बनाया? 123. अब क्या है? How many more run does India need to win? India को जीतने के लिए और कितने रन की जरूरत है? To win India, India must make 236 runs. अब देखो, India को जीतने के लिए कितना रन बनाना होगा? श्रीलंका जितना बनाया है रन, उससे एक ज्यादा है ना, means 236. अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे. यहाँ पे हाउ मेनी मोर लिखा है ना, हाउ मेनी मोर, तो हम हाउ मच मोर या हाउ मेनी मोर, तो हम लोग क्या करेंगे? सबट्रैक्शन करना है. ठीक है? इसके थ्रू हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. लेट्स सी हाउ टू सॉल्व. Runs made by Sri Lanka यहाँ पे आप डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हो 236 माइनस 123. जीतने के लिए टोटल कितने रन चाहिए? 236. और इंडिया ने टोटल कितने रन बनाए हैं? 123. माइनस कर दो, 6 माइनस 3, 3, 3 माइनस 2, 1, एंड अगेन 2 माइनस 1, 1. टोटल इंडिया को विन करने के लिए कितने रन की जरूरत है? 113 रन्स. रन्स नीडेड टू win India is 113. ठीक है? इस तरह से हम लोग लिखेंगे. runs to win, win करने के लिए total 236 run चाहिए और run इंडिया स्कोर्ड 123 रन्स. ठीक है? अब माइनस किए, 113 मिला और इंडिया को जीतने के लिए 113 रन्स की जरूरत है. अब देखिए आपके बुक में एक और क्वेश्चन है पेज नंबर 76 में. गेस टू विन इंडिया नीड्स, इंडिया को जीतने के लिए कितने रन की जरूरत है? ऑप्शन नंबर ए इज मोर देन 100 रन, 100 से ज्यादा रन की जरूरत है, या लेस देन 100 रन. तो यहाँ पे आप आंसर क्या देंगे? 100 से ज्यादा, तो मोर देन 100, तो हम टिक कर देंगे. नाउ नेक्स्ट पेज. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 77. क्वेश्चन इज गीता हैड
रुपीज 368 इन हर पर्स। गीता के पर्स में टोटल कितने रुपीज है? 368। सी बॉट अ बुक फॉर रुपीज 123। उसने क्या खरीदा? एक बुक कितने का? 123 रुपीज का। हाउ मच मनी इज लेफ्ट, यहाँ पे कीवर्ड क्या है? लेफ्ट। हाउ मच मनी इज लेफ्ट इन हर पर्स, उसके पर्स में कितने रुपए और बचे होंगे? ठीक है, मनी लेफ्ट इन हर पर्स, हिंट दे रखा है, इसको आप माइनस करोगे तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो क्या लिखेंगे, मनी इन गीतास पर्स, गीतास पर्स। ओके, गीता के पर्स में यहाँ पे प्लेस भी लिख देते हैं, वंस टेन्स, वंस इसका प्लेस है टेन्स और दिस वन इज हंड्रेड, हंड्रेड प्लेस। ठीक है, ये इसका प्लेस है। ठीक है, गीता का पर्स में कितने पैसे थे? 368 रुपीस। अब उसने खर्च किया एक बुक पे कितना? 123 रुपीस। कॉस्ट ऑफ अ बुक, एक बुक का कॉस्ट क्या है? 123 रुपीस। अब हमें फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? माइनस करना होगा। चलो माइनस करते हैं, 8 माइनस 3 5, 6 माइनस 2 4 एंड 3 माइनस 1 इज 2। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बुक में। नाउ सम देयर इज सम क्वेश्चन, गेस मनी लेफ्ट इन गीतास पर्स। आप गेस करके बताओ कि गीता के पर्स में कितने रुपए होंगे? मोर देन 200, 200 से ज्यादा या लेस देन 200? तो ये 200 से ज्यादा है ना, तो मोर देन 200 में हम क्या करेंगे? टिक कर देंगे। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 78। क्वेश्चन इज, कैन यू हेल्प नबीला? नबीला's मदर सेंट हर टू द मार्केट टू सम टू बाय सम थिंग्स। नबीला's मदर उनको गाँव भेजती है, मार्केट भेजती हैं कुछ चीज़ें खरीदने के लिए। सी गेव हर रुपीज 245, उनकी मम्मा उनको 245 रुपीज देती हैं। नबीला बाउट 1 kg घी फॉर रुपीज 147। वो 1 kg घी खरीदती है 127 रुपीज का। द शॉप कीपर गेव हर बैक रुपीज 98। शॉप कीपर उसको 98 रुपीज वापस करता है। तो क्वेश्चन इज, डिड द शॉप कीपर गिव हर राइट अमाउंट? क्या शॉप कीपर उसको राइट अमाउंट दिया था या नहीं? तो इसके लिए तो हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा कि शॉप कीपर को कितना एक्चुअली रिटर्न करना चाहिए। तो मनी नबीला हैड कितने रुपीज है? इसके प्लेस पे कर देते हैं 1, 10 और 100। अब देखिए टोटल कितना था? 245 रुपीस। अब देखिए कॉस्ट ऑफ 1 kg घी, कॉस्ट ऑफ 1 kg घी कितना है? 127 रुपीस। माइनस करते हैं, 5 - 7 नॉट पॉसिबल, ये हमारा बोरो वाला सब्ट्रैक्शन है। अब देखिए 5 - 7 नॉट पॉसिबल, तो हम क्या करेंगे? बोरो करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 15 और 4 हो जाएगा 3। 7 माइनस करेंगे 15 में से, 8 1
118 रुपीज एक्चुअली उसको देना था, लेकिन वो रिटर्न कितना करता है शॉपकीपर, ओनली 98 रुपीज। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, डिड द शॉपकीपर गिव हर राइट अमाउंट, तो क्या शॉपकीपर उसको राइट अमाउंट देता है, तो क्या लिखेंगे, नो। अब नीचे ये कैलकुलेशन को भी करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन है, पेज नंबर 79, हाउ मच मोर मनी शुड द शॉपकीपर गिव नबीला, शॉपकीपर को और कितने मनी देने की जरूरत है, ठीक है, कितना और देना पड़ेगा। तो टोटल उसको 118 रुपीज देना था, लेकिन वो 98 रुपीज दिया, तो और कितना देने की जरूरत है, तो हम लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे, द शॉपकीपर हैव टू बी 118 रुपीज और ही गेव, उसने कितना दिया, 98 रुपीज, माइनस करेंगे 8 - 8 = 0 एंड 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको बोरो करेंगे तो ये 11 हो जाएगा, 11 - 9 = 2, 20 रुपीज और उस शॉपकीपर को देना है, द अमाउंट ही शुड गिव गिव इज 20 रुपीज, ठीक है, यहाँ पे रुपीज होगा। Now next page. Now next question. Page number 80. From page number 80, practice time. One example is given. Question number first already solved है. Baby tortoise is 33 years old. Baby tortoise जो है 33 years old है. वही mummy tortoise 150 years old. ठीक है. How much younger is baby tortoise than mummy tortoise? अब इन दोनों के एज का डिफरेंस क्या है ये फाइंड करना है, तो सब्ट्रैक्ट करके हम फाइंड कर सकते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, अरविंद हैज रीड 69 pages ऑफ अ स्टोरी बुक, गौरी हैज रीड 95 pages ऑफ दैट स्टोरी बुक, हु हैज रीड मोर पेजेस एंड हाउ मेनी मोर। देखिए अरविंद टोटल 69 pages रीड करता है स्टोरी बुक का, वही गौरी 95 pages रीड करती है, ठीक है, किसने ज्यादा किया, किसने ज्यादा रीड किया है और कितना ज्यादा रीड किया है ये हमें फाइंड करना है, तो हम कंपेयर करके इसलिए हम बता सकते हैं कि किसने ज्यादा रीड किया है, गौरी ने ज्यादा रीड किया है, लेकिन कितना ज्यादा रीड किया है ये हमें फाइंड करना है। गौरी पहले लिखेंगे गौरी रीड 95 pages, ठीक है, और अरविंद रीड 69 pages। अब डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 - 9 इसका प्लेस 1 और ये हो गया 10, ठीक है, 5 - 9 नॉट पॉसिबल, तो क्या करेंगे, बोरो करेंगे, यहाँ पे 5 हो जाएगा 15 और 8 ये 9 हो जाएगा 8, 15 - 9 = 6 और 8 - 6 = 2, 26 pages। अब हम लिखेंगे गौरी रीड 26 pages मोर देन अरविंद,
अरविंद से कितना ज्यादा पेज वो पढ़ रही है? 26 पेज वर्ल्ड पढ़ रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रीना नोटेड द इलेक्ट्रिसिटी मीटर रीडिंग्स ऑफ हर हाउस। लास्ट मंथ का रीडिंग कितना था? 118 यूनिट्स, और दिस मंथ रीडिंग इज 193 यूनिट। इस मंथ का रीडिंग कितना है? 193 यूनिट है। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी डिड सी यूज इन वन मंथ। वन मंथ में उसने कितना यूनिट इलेक्ट्रिसिटी वो यूज किया है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए डिफरेंस फाइंड करना होगा लास्ट ईयर और दिस लास्ट मंथ और दिस मंथ का, ठीक है। तो लिखेंगे दिस मंथ रीडिंग, इस मंथ का रीडिंग कितना है? 193 यूनिट, और लास्ट मंथ रीडिंग कितना था? 118 यूनिट्स। अब क्या करेंगे, 193 माइनस 118, चलिए बोरो वाला सब्ट्रैक्शन है, 3 माइनस 8 नॉट पॉसिबल, सो वी बोरो फ्रॉम नेक्स्ट 13 माइनस 8, हियर 8 माइनस 1 7 और 0 मीन्स 75 यूनिट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 75 यूनिट इस मंथ में वो यूज किया है। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी डिड सी यूज इन वन मंथ, वन मंथ में वो कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज की है? तो 75 यूनिट्स लिखेंगे, सी यूज्ड 75 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ नेक्स्ट, खुशबू बॉट अ शर्ट फॉर ₹125। खुशबू एक शर्ट खरीदती है कितने का? 125 रुपीज का, और वही ट्राउजर कितने का खरीदती है? 165 रुपीज का। अब आपसे क्या पूछा गया, हाउ मच मनी डिड सी स्पेंड ऑल टुगेदर। यहाँ पे कीवर्ड क्या है, ऑल टुगेदर। अब ऑल टुगेदर जब रहेगा हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। हाउ मच मनी डिड सी स्पेंड ऑल टुगेदर, दोनों मिला के वो मतलब दोनों चीज खरीद कर वो टोटल कितना पैसा खर्च करती है, ये आपको फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे, अबाउट अ शर्ट फॉर ₹125 एंड अबाउट अ ट्राउजर फॉर ₹165। दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 125 और 165 ऐड कीजिए, 5 5 10 इन एंड 1 6 3 6 और 2 8 प्लस 1 9, टोटल 290 रुपीस खुशबू ने खर्च किया इन दोनों चीजों को खरीदने से। तो यहाँ लिखेंगे सी स्पेंट रुपीस 290 ऑल टुगेदर, ठीक है। आई होप अप टू पेज नंबर 80 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स।